लोकसभा चुनाव के तहत जहां दिल्ली की सातों सीटों पर मतदान होने में 15 दिन से भी कम का समय बचा है, तो वहीं अब कांग्रेस से पिछले दिनों निकाले गए 3 बार विधायक रह चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भीष्म शर्मा अपने समर्थकों के साथ मंगलवार की शाम को भाजपा में शामिल हो चुके हैं। जी हां, वह प्रदेश महामंत्री, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सहित कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। आपको बता दें कि 2007 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी मिला, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पार्टी में विरोधी गतिविधियों के आरोप में कांग्रेस ने उन्हें 6 वर्षों से पार्टी से निष्कासित किया हुआ था। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी की कार्यशैली से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस से 41 साल पुराना अपना रिश्ता तोड़कर अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है। आपको ये भी बता दें कि शीला दीक्षित के खिलाफ मोर्चा खोलने की वजह से भीष्म शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था। इसके विरोध में कांग्रेस के 12 से अधिक नेताओं ने भी अपना इस्तीफा राहुल गांधी को भेज दिया था। बताया जा रहा है कि शीला दीक्षित ने खुद भीष्म शर्मा को समझाने की कोशिश भी की है और मिलने के लिए भी बुलाया है, लेकिन न वह माने और न ही वे उनसे मिलने गए। वेब 23 न्यूज से रक्षा की रिपोर्ट।